नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्लम्बर माइंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी की मेजरमेंट और उसके हाइट के बारे में। बहुत से सवाल आपके रहे हैं हमारे साथ में और उनका बार बार हमने जवाब भी दिया है आपको। एक हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो शायद आप तक नहीं पहुंची, या फिर पहुंची है तो आपने उसको देखा नहीं। तो आज हम दोबारा से उसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और जितने भी मेजरमेंट हाइट के इश्यू रहेंगे प्लम्बिंग के अंदर सभी फिटिंग्स के, उनके पर्टिकुलर छोटे छोटे वीडियोज़ आपको मिलेंगे ताकि उनसे आपको फ़ायदा यह मिल सके कि छोटी सी क्लिप में ही आप समझ जाएं कि उसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है जो कि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी की बैक साइड होती है। वो इसलिए मैं बना के बता रहा हूँ ताकि मेज़र करने में आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। यहाँ आप जो नीचे देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, ये हमने फ्लोर बनाया है। फ्लोर में हमने तीन अलग अलग पार्टीशन दिए। ऊपर वाली जो आप दो लाइनें देख रहे हैं, इसको हमने टाइल समझा है, जिसे हम फाइनल फ्लोर कहते हैं। इसके नीचे वाली जो है खाली जगह है, इसको हमने समझा है टाइल के नीचे वाले लगने वाले मसाले को। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये हम समझ लेते हैं जब भी हमारे बाथरूम में मिट्टी फिलअप करने के बाद में जो हम ईंटों से एक बार पक्का कर देते हैं, वो यहाँ पे ये है। तो हमारा फाइनल फ्लोर की हाइट है ये वाली, ठीक है। किसी भी डब्ल्यूसी को आप लगाओगे, किसी भी फिटिंग्स को आप लगाओगे, तो आपको एक निशान चाहिए, यानी कि एक फाइनल आपको मार्किंग चाहिए ताकि उससे आप उसका लेवल ले सकें। तो जब भी आप कहीं पे भी प्लम्बिंग का काम करते हैं तो वहाँ पे उस मिस्त्री से आप एक कंसल्ट करें, यानी उनसे बात करें, वो आपको फाइनल फ्लोर की जो लेवलिंग है वो करके दे देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं दें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पूछना पड़ेगा आपको हाइट कितनी बाथरूम में रखनी है। पहला पॉइंट तो है ये। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लेवल कर लिया और यहाँ पे एक रफली आपने इंक से निशान लगा लिया, ये कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हुआ है या नहीं है, लेकिन आपको पाइपिंग करनी है। पाइपिंग करने से पहले हमें फाइनल लेवल मिल गया, इसी लेवल को हमें सभी मेजरमेंट के अंदर यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका डब्ल्यूसी की फ्लोर की जो हाइट रहेगी वो कितनी होगी। इंची टेप का आपको खोल लेना है। इंची टेप यहाँ पे आप देखेंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इस डब्ल्यूसी की वैसे तो हाइट एमएम में ही ली जाती है, इसको एमएम और इंच दोनों में हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको 40 सेंटीमीटर ले लेना है। 40 सेंटीमीटर करीब करीब 400 एमएम होता है और ये 16 इंच के करीब होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल निशान था उस निशान से हम 40 एमएम को जोड़ेंगे, यानी कि उसको लगाएंगे, और यहाँ तक हमारी डब्ल्यूसी की जो हाइट है वो बिना ढक्कन के करीब करीब 400 एमएम या 420 एमएम रख सकते हैं। 16 से 16.5 इंच उसमें होती है। तो ये हाइट अगर हम इंची टेप से नापते हैं तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 400 एमएम, या फिर आप उसे 420 एमएम भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें फाइनल हाइट इसकी मिल गई। अब हम बात करते हैं इसकी और इसकी, ये दो पाइप होते हैं, कौन से होते हैं। ये पाइप जो होता है, ये होता है आउटलेट और ये पाइप होता है इनलेट। और यहाँ पे जो आपको दो छेद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लगेंगे हमारे ब्रैकेट जो कि इस डब्ल्यूसी को होल्ड करके दीवाल के साथ में रखते हैं। ये जो पाइप है हमें दीवाल में लगाना होता है 110 एमएम का पाइप। पाइप की चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, चौड़ाई कौन सी, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, ये जो डाया है ये 110 एमएम वाला पाइप हमें यहाँ पे चाहिएगा ताकि इस डब्ल्यूसी का आउटलेट उसके साथ में जोड़ सके। और यहाँ पे जो हमें पाइप का डाया चाहिएगा वो चाहिएगा 50 एमएम, ठीक है। डब्ल्यूसी के अंदर जो डायामीटर आता है वो 90 से 100 एमएम के बीच में आता है, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा करीब करीब 55 एमएम के करीब। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये पाइप के अंदर लगता है और इस हिस्से में पाइप अंदर लगता है। तो इसकी चौड़ाई आएगी आपको 55 एमएम मिल सकती है और यहाँ पे आपको 100 एमएम के करीब मिलेगी। अब इसकी हाइट हम क्या करेंगे, कभी भी आप मेजरिंग करते हैं तो सेंटर पॉइंट कहा जाता है। तो सेंटर पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए ये पाइप का डाया हमने 110 एमएम लिया है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये है अगर हम नीचे से नाप रहे हैं तो, और अगर हम साइड से नापेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट ये है। यानी कि जितने भी आपकी डब्ल्यूसी की चौड़ाई होगी आउटलेट की, उसके हाफ को हम सेंटर मानते हैं। तो अब यहाँ फाइनल फ्लोर से इस सेंटर की जो हाइट हम लेंगे वो करीब करीब लेंगे 230 एमएम। 230 एमएम इंची टेप खोलेंगे आप, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको देखेंगे 23 और नजर आएगा, ये है 230
30 mm। तो यहाँ से आपको लगाना है, यानी कि 230 को यहाँ रखना है इस फाइनल लेवल पे, और जैसे हम नापेंगे तो ये यहाँ सेंटर पॉइंट बन जाएगा इसका। तो 2 इंच इससे ऊपर रहेगा, 2 इंच इससे नीचे रहेगा पाइप, और करीब करीब इंच में अगर हम देखें 9 से 9.5 इंच इसकी हाइट रहेगी, जो कि सेंटर पॉइंट कहलाती है। तो यहाँ आपने इसको भी चेक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं इनलेट पॉइंट की। तो इनलेट पॉइंट जो है, आपको इसका सेंटर पॉइंट नापना है। तो सेंटर पॉइंट कैसे नापेंगे, फाइनल फ्लोर हमारे पास है और हम यहाँ तक इनलेट तक जाएंगे, 365 mm हमें चाहिएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 36, फिर आगे यहाँ पे 5 mm और जुड़े हुए हैं, यानी कि 365 mm, करीब करीब 14.5 इंच बनेगा और यहाँ टोटल इसका सेंटर पॉइंट तक आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो हम निकाल लेते हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पे 140 mm, 35 से 40 mm यहाँ पे इन दोनों की सेंटर की दूरी आ रही है, 135 और 140 mm के करीब, ठीक है। अगर आपके पास ये हाइट आपने ले ली तो आप इससे ऊपर डायरेक्ट 135 से 140 mm की सेंटर पॉइंट छोड़कर इसको कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों के पाइप की बात करें, दोनों पाइप से पाइप की, तो करीब करीब 2 से 2.5 इंच आएगी, यानी कि जो ये किनारी है, इस किनारी से ऊपर लगने वाले पाइप की किनारी को अगर हम नापें तो करीब 2 से 2.5 इंच इसकी गैप रहेगी। ये हो गया, ये हो गया, हाइट हमारी हो गई। अब रहती है बात इन ब्रैकेट के लिए छेद निकालने की। तो ये हम जब भी WC इंस्टॉल करते हैं उस दौरान हम दीवार के साथ में इसको लगाएंगे और ये वाली मार्किंग करेंगे एक तो, और साथ ही साथ इन दोनों को भी हम मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने से हमें दीवार के ऊपर इनकी मार्किंग ऑटोमेटिक मिल जाएगी जब हम WC इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसका मेजरमेंट होता है। ये भी देखा गया है कि हर कंपनी की WC हाइट सेम होती है, लेकिन जो नीचे वाला जो गैप है, ये जो गैप है फ्लोर से और WC का नीचे का गैप, इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। हो सकता है आपको ज़्यादा जगह दे दे, हो सकता है आपको कम जगह दे दे, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये हमेशा फिक्स ही रहती है ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में। तो हमें इसका मेजर मिल गया जो कि 9 इंच 9.5 इंच हम रख सकते हैं 230 mm, और इसका हमें मेजरमेंट मिल गया जो कि हमने यहाँ हमने जो पूरा लिया था 365 mm लिया था। तो ये मेजरमेंट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट कही रहे?